एक कदम सुरक्षा कवच की ओर। जी हां, देश के अलग अलग कोनों में आज से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात में बच्चों को वैक्सीन लगने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों से टीकाकरण सेंटर्स की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। बच्चों के टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया 7 दिनों में खत्म करने का टारगेट रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि अभी तक 7.56 लाख बच्चों ने टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण भी करा लिया है। इन सभी बच्चों को कोवैक्सीन की खुराक दी जा रही है। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच स्कूल कॉलेजों को खोलना एक चुनौती बना हुआ है। तो ऐसे में ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ की, देहरादून की, दिल्ली की, अहमदाबाद की, किस तरह से अलग अलग देश के कोनों में टीकाकरण आज बच्चों का किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं और ऐसे में तमाम जगह सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई बच्चों को परेशानी ना हो, पूरे प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोविन पर रजिस्ट्रेशन भी 1 तारीख से ही शुरू हो गया था, जिसमें अब तक कई बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। साथ ही इस पूरे टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है कि जल्द से जल्द बच्चों को वैक्सीन लगा देनी चाहिए, क्योंकि तमाम राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर बच्चे अब स्कूल और कॉलेजेस जा रहे हैं और ओमिक्रॉन का खतरा देश में बढ़ता जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की क्या प्रक्रिया है। तो ऐसे में गुजरात से एक बार फिर से हमारे ब्यूरो चीफ प्रणव सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणव, आज वैक्सीनेशन को लेकर गुजरात में कैसी हलचल बच्चों के लिए देखने को मिल रही है? देखो का माहौल है और हमारे जो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र सिंह पटेल, उन्होंने सुबह जो गांधीनगर स्कूल से वैक्सीनेशन का स्टार्टिंग किया है और 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको आज वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है और पूरे गुजरात में 35 लाख के ऊपर बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। और दूसरा खुशी का माहौल है कि लगातार जो गुजरात में और अहमदाबाद में लगातार कोरोना के केसेस है वो जो बढ़ते जा रहे हैं और ओमिक्रॉन के केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और वहाँ खुशी का माहौल ये है कि आज से जो 15 और 18 साल के जो बच्चों को वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है उनमें जो उनके जो पेरेंट्स है उनको खुशी है, क्योंकि बच्चों को जब वैक्सीनेशन हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं कोरोना से और ये जो नया वेरियंट आया है जो ओमिक्रॉन से बचेंगे। इस प्रकार से काफी खुशी का माहौल है और वैक्सीनेशन सेंटरों पे जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ लगातार कतारों में वैक्सीन लेने के लिए आए हुए हैं। जी बिल्कुल प्रणव, और देखिए जिस तरह से आपने बताया कि भारी संख्या में गुजरात में बच्चे हैं जिनको वैक्सीन लगना है, ऐसे में गुजरात सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है कि कब तक इन सभी बच्चों को वैक्सीन लगा दिया जाएगा? देखो आज से स्टार्टिंग किया है गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने, और दूसरी बात है कि पूरे गुजरात में 35 लाख बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा, उनका टारगेट है गुजरात सरकार का, और लगातार ये पूरा जो वैक्सीनेशन है वो पूरे 7 या 8 दिन में क्लियर करने की गुजरात सरकार की बात है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन जो स्टार्ट कर दिया है, कोरोना के केस गुजरात में बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के केस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कोरोना बढ़ रहा है गुजरात में, लेकिन गुजरात सरकार की ओर से कहीं ना कहीं वैक्सीन तो दी जा रही है लेकिन जो जोखम जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी फूलतो महोत्सव जो रिवर फंड आया हुआ है अहमदाबाद में, वहां पे फूलतो महोत्सव 8 तारीख को किया जाएगा, वहां पे हजारों की संख्या में लोग जुड़ेंगे देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं लोग जो जुड़ेंगे उनमें कोरोना संक्रमित कोई लोग आ गया और हजारों की संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे तो उनकी जवाबदारी कौन लेगी, सरकार या कोई दूसरा? जी बिल्कुल प्रणव, और आप देखिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हमने देखा था जब और लोगों को वैक्सीन लगी थी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर व्यवस्थाएं देखी गई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पर कहा गया कि आपने स्लॉट बुक नहीं किया है, स्लॉट बुक कर आइए। तो क्या आज इंतज़ाम और ज़्यादा अच्छे किए गए हैं या आज भी कुछ ऐसे ही तस्वीर देखने के लिए मिल रही है? पारुल, कहीं खराब तस्वीरें तो आई है क्योंकि जो ये लोग वैक्सीनेशन का जो पहले से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जब वैक्सीन लेने जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और कहीं ना कहीं दूसरे जो अलग अलग जो बहाने हैं वो बताते रहते हैं, और इस हिसाब से जो वैक्सीन लेने आते हैं वो लोग परेशानी का सामना करते हैं। और गुजरात सरकार की ओर से काफी सारी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था तो की गई है वैक्सीन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था है वो भी सामने आ रही है।
जी चलिए ठीक है प्रणव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुजरात में भी आज वैक्सीनेशन बढ़ चढ़कर हो रहा है, तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से सुबह वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर उद्घाटन किया गया और बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही। हालांकि इस वैक्सीनेशन सेंटर में कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने के लिए मिल रही हैं कि जहाँ पर व्यवस्था पूरी तरह से नहीं की गई। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आप वैक्सीनेशन सेंटर पर ही मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीर और क्या वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए गुजरात से अभी हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि गुजरात में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें भी दिख रही हैं जहाँ पर अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। गाजियाबाद में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में बहुत सी जगह ऐसे भी हैं जहां पर अव्यवस्थाएं हैं। खासकर अगर गाजियाबाद के ब्लॉक की बात की जाए नंदग्राम की, तो यहां पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है यहां पर भी आप देखेंगे कि जो लाइन लगी है यहां पर वो पूरी तरह से सही से नहीं है, दो गज की दूरियां नहीं है, ये तमाम चीजें जो है ये देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों को खुद भी इसको लेकर जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कितनी बार पुलिस सुरक्षा कर्मी आपको जो है लाइन में सीधा लगवाएंगे, ये तमाम चीजें हैं, लोग बदलते रहेंगे और लाइनें लगती रहेंगी। लेकिन ऐसे में जरूरत है लोग खुद अपने आप से ही इस लापरवाही को ना बरतें, ये तमाम चीजें हैं। और साथ ही प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब इस तरह का बड़ा प्रोग्राम होना है तो क्या उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, क्या ये जो मापदंड थे उसको पूरी तरह से चेक किया गया था नहीं किया गया था, ये तमाम चीजें प्रशासन को भी देखनी होगी। बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए गाजियाबाद के अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह के इंतजाम है? क्योंकि शहरों में तो पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, प्रोटोकॉल्स का पालन होना चाहिए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कैसी व्यवस्था है? जी बिल्कुल, देखिए ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए तो जहाँ जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं तो वहाँ पर जो है वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा स्कूल हैं, जो बड़े स्कूल हैं वहाँ पर भी बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ये तमाम चीजें हैं। कुछ इसी तरह से गाजियाबाद के शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है, कुछ इसी तरह से गाजियाबाद के देहात क्षेत्रों में किया जा रहा है। जी जी चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद में भी कहीं ना कहीं व्यवस्था तो प्रशासन की तरफ से की गई है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में कोरोना को हराना है तो इसीलिए वैक्सीनेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया गया है, क्योंकि मोदी सरकार ने ठाना है कि कोरोना को हराना है, इसीलिए लगातार वैक्सीनेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देश में दिया जा रहा है।